दर्जनों सांसदों, दर्जनों विधायकों, सैकड़ों योजनाएं, कई कल कारखानों के सीएसआर, तब चास बोकारो का ऐसा हाल। पर इन कड़वी सच्चाइयों, इतनी व्यवस्थाओं के बीच गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जैसे भी हैं, यह भी उतना ही सच है। समस्याएं अनंत है, पर हम में अगर उन समस्याओं से जूझने का जज्बा है तो उस अनंत समस्याओं का अंत भी है। जी हाँ, जज्बा। 7 जुलाई 2014 को बिजली की आंख मिचौली से त्राही त्राही कर रहे चासवासी सड़क पर उतर आए थे। इस जन आंदोलन से चास जैसे थम सा गया था। चासवासी कितने उद्वेलित और आक्रोशित थे। चासवासियों के इस आक्रोश को हिमांशु ने करीब से देखा और दिखाया था। चास शहर बोकारो जिला का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र होने के बावजूद अभी भी छोटी और बड़ी समस्याओं से रोजाना दो चार हो रहा है। बिजली को लेकर विरोध आपने देखा ही। बिजली चास के लिए हमेशा से बड़ी समस्या थी और अभी भी है, लेकिन छोटी समस्याएं भी यहाँ न पहले कम थी और न अभी कम है।